सबसे पहले अपन बात करेंगे कि तीन तरह के जो टेस्ट हैं, एक है लिवर फंक्शन टेस्ट और एक है एक थायराइड फंक्शन टेस्ट, और जो थर्ड फंक्शन की अगर बात की जाए तो जो थर्ड फंक्शन है वो है एक रीनल टेस्ट, करेक्ट। जिनमें से सबसे पहले आज अपन डिस्क्राइब करेंगे एक लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर। और जो लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में बात करें तो जो लिवर फंक्शन है, लिवर के जो फंक्शन है वो बहुत सारे तरह के फंक्शन है, बट जो 10 तरह के जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है उनके बारे में अपन आज डिस्क्रिप्शन करेंगे। सबसे जो फर्स्ट फंक्शन है इसका वो ये है कि ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स है फॉर मेटाबॉलिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, लिपिड्स के लिए। सेकंड ये है कि सिंथेसिस करता है कोलेस्ट्रॉल का, और जब कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होगा जिसकी वजह से बाइल सॉल्ट और बाइल एसिड का फॉर्मेशन होगा। थर्ड पॉइंट की अगर बात की जाए तो जो थर्ड पॉइंट ये है कि जो एस्टिफिकेशन करवा देता है कोई भी किसी भी तरह के कोलेस्ट्रॉल का। और जो फोर्थ है, सभी तरह के जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है वो इसके अंदर सिंथेसिस नहीं हो पाते, ओनली सेकंड, सेवन्थ, नाइन्थ और टेंथ ये क्लोटिंग फैक्टर इसके अंदर सिंथेसिस हो पाते, करेक्ट। उसके बाद में है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, और कहने का मतलब ब्लड फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो के अंदर, वो एक लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट जो लिवर का जो फंक्शन है वो लिवर का फंक्शन ये है कि सभी तरह के प्लाज्मा प्रोटीन हैं वो सिंथेसिस होते हैं हमारे लिवर के अंदर एक्सेप्ट है गामा ग्लोबुलिन। बात ये आ जाती है यार दिमाग में कि गामा ग्लोबुलिन क्यों नहीं है। गामा ग्लोबुलिन इसलिए नहीं है क्योंकि जो गामा ग्लोबुलिन है वो प्लाज्मा सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जनरली, करेक्ट। उसके बाद में स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी 12 और ग्लाइकोजन है, स्टोरेज करता है। एक्जोजीनस डाई है वो एक बीएसपी है, ब्रोमो सल्फ्यूरिंस, और एक वेस्ट बंगाल है वो एक्सक्रेटेड होती है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स और ड्रग्स होता है। अमोनिया है वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट होता है, वो भी इसी के अंदर लिवर का ही एक फंक्शन के अंदर इंक्लूड होता है। प्रोथ्रोम्बिन जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है तो वो विटामिन के प्रेजेंस में जनरली कन्वर्ट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो कोई भी किसी भी तरह के जो बाइल पिगमेंट है, जैसे बाइलोरुबिन और बाइलोविरिडिन दो तरह के बाइल पिगमेंट है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि जैसे बाइलोरुबिन्स है, वो बाइलोरुबिन्स की अगर जनरली बात करें, अगर उसकी एबनॉर्मलिटी देखें तो एबनॉर्मलिटी के लिए एक वंडरबर्ग रिएक्शन देखते हैं अपन। सबसे पहले वंडरबर्ग रिएक्शन, इट इज़ अ नथिंग, ये बोलती है कि इस वंडरबर्ग रिएक्शन के अंदर अपन सिंपली क्या करते हैं कि डिटरमाइन करते हैं और एस्टिमेशन करते हैं कोई भी बाइलोरुबिन्स इन सीरम के अंदर, करेक्ट। दो तरह के सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, करेक्ट। सॉल्यूशन ए है वो उसके अंदर सल्फोनिक एसिड है इन कंसंट्रेशन HCl के अंदर, और जो सॉल्यूशन बी है वो सॉल्यूशन बी के अंदर एक डिस्टिलेशन वाटर है, एक नाइट्रिक एसिड के अंदर एक डिस्टिलेशन वाटर है। जो दोनों सॉल्यूशन को मिला के एक एनरिच रिएजेंट, दोनों सॉल्यूशन को मिला के अपन इसको एक एनरिच रिएजेंट और कोई भी किसी भी तरह के वंडरबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, करेक्ट। और अगर टेस्ट की बात की जाए, डायरेक्ट पॉजिटिव, इनडायरेक्ट पॉजिटिव और बायफेसिक रिएक्शन होती है। डायरेक्ट पॉजिटिव के अंदर तो पर्पल कलर हो जाएगा इमिडिएटली, करेक्ट। और जो इनडायरेक्ट पॉजिटिव है उसके अंदर कोई भी कलर अपीयर नहीं होगा इनिशियली। फिर क्या करते हैं, अगर अपन अगर कोई भी किसी भी तरह का जैसे एल्कोहल डाला उसके अंदर, जैसे इथेनॉल की बात की जाए कि अपन ने CH3CH2OH की बात की, अगर वो डाला अपन ने तो फिर उसके बाद में उसके अंदर पर्पल कलर शो करेगा, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जैसे प्रोसीजर की अगर बात की जाए तो दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं अपन, और जो दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर 0.3 ml सीरम डाल दिया सबसे पहले। और जब 0.3 ml सीरम डाल दिया उसके बाद में जो टेस्ट ट्यूब ए है और उसके अंदर फिर अपन ने क्या किया कि 0.3 ml उसके अंदर एक डिस्टिलेशन वाटर डाला। और जो सॉल्यूशन जो टेस्ट ट्यूब बी है, सेकेंड वाली टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर एक एनरिच रिएजेंट और एक वंडरबर्ग रिएजेंट डाला। और जब अपन ने कहा कि एनरिच रिएजेंट और वंडरबर्ग रिएजेंट हैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, जनरली अगर बात करें तो उसके अंदर एक कुछ देर बाद अपन रिजल्ट एनालाइज करेंगे। रिजल्ट एनालाइज करने के बाद पता चला कि जो डायरेक्ट पॉजिटिव है वो तो पर्पल कलर दे दी इमीडिएटली, इनडायरेक्ट पॉजिटिव है उसके अंदर इनिशियली में कोई कलर नहीं आता, फिर उसके बाद में उसके अंदर वही सेम एल्कोहल डालते हैं और एल्कोहल डालने के बाद कलर देता है। बाइफेसिक रिएक्शन की अगर सभी भी अपन बात करें उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो बाइफेसिक रिएक्शन है
उस बाईफेसिक रिएक्शन के अंदर बहुत कंजुगेटेड एंड अनकंजुगेटेड है वो बाइलरूबिन प्रेजेंट है और वो इंक्रीज़ होता है उनका अमाउंट, और वो इनिशियली जो रिएक्शन होती है वो एक पर्पल कलर देती है और इंटेंसीफाई हो जाती है बाय एडिंग ऑफ एल्कोहल, करेक्ट। उसके बाद में रिजल्ट है उसका वो डायरेक्ट पॉजिटिव और इनडायरेक्ट पॉजिटिव के केस की बात की जाए तो डायरेक्ट पॉजिटिव वाले केस के अंदर एक कंजुगेटेड बाइलरूबिन प्रेजेंट है और इनडायरेक्ट पॉजिटिव वाले केस के अंदर अनकंजुगेटेड है, करेक्ट। डायरेक्ट वाले के अंदर तो कंजुगेटेड और इनडायरेक्ट वाले के अनकंजुगेटेड, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का टोटल प्लाज्मा एल्बुमिन ग्लोबुलिन एल्बुमिन ग्लोबुलिन का जो रेशो अगर मेज़र करें तो सबसे पहले जो टोटल प्लाज्मा है वो टोटल प्लाज्मा होता है वो 5 से 8 ग्राम्स पर डीएल होता है, करेक्ट। और जो एल्बुमिन्स है वो 3.5 से 5.5 ग्राम पर डीएल होता है और जो ग्लोबुलिन्स है ये 1.8 से 3.5 ग्राम पर डीएल होता है, करेक्ट। उसके बाद में एल्बुमिन्स और जो ग्लोबुलिन का जो रेशियो है वो 1.2 से 1.5 के समथिंग होता है अप्रॉक्सीमेटली, करेक्ट। जो लीवर फंक्शन टेस्ट है इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि जो लीवर फंक्शन टेस्ट है ये मोस्टली यूज़फुल होता है किसके लिए, क्रोनिक लीवर डिजीज़ के लिए, और जब क्रोनिक लीवर डिजीज़ के लिए ये एक मोस्ट यूज़फुल होता है जनरली, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है कि अगर इंटरप्रटेशंस की बात की जाए तो इंटरप्रटेशंस के अंदर 3 तरह की चीज़ें पढ़ेंगे अपन, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव हेपेटाइटिस, और नंबर 3 अगर बात की जाए वो है एक कोई भी किसी भी तरह का एडवांस पैरेन्काइमा डिजीज़। जो इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस है इसके अंदर जो अर्ली फेज है उसके अंदर तो इसकी वैल्यू नॉर्मल होती है, करेक्ट। और जो लेट फेज होता है उसके अंदर ये एक ड्रेनेज लीवर है वो ड्रेनेज हो जाती है, करेक्ट। जबकि जो ऑब्स्ट्रक्टिव हेपेटाइटिस के केस की बात की जाए तो इसके अंदर जो इसकी जो वैल्यू होती है वो कहने का मतलब सेम रहती है और वो वैल्यू नॉर्मल रहती है रिमेन, और कब तक नॉर्मल रहेगी, जब तक लीवर है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं हो जाती, करेक्ट। और जो अपन ने कहा अभी अभी कि कोई भी किसी भी तरह का एडवांस पैरेन्काइमा डिजीज़ या ये लीवर काइरोसिस इंक्लूड होता है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी इसी के अंदर होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी बोल सकते हैं अपन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर होता क्या है कि जो एल्बुमिन्स है उस एल्बुमिन्स का जो लेवल है वो कम हो जाता है और जो ग्लोबुलिन्स का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तो एल्बुमिन्स और जो ग्लोबुलिन्स का जो रेशियो आता है वो रेशियो एक रिवर्स रेशियो आ जाता है, करेक्ट। उसके बाद में लीवर के कुछ एंजाइम, सबसे पहले मैं SGOT और ट्रांसमिशंस की बात करूँगा। ट्रांसमिनेशंस के अंदर 2 चीज़ें पढ़ी जाती है, एक SGOT और एक SGPT। SGOT और AST भी बोल सकते हैं, एस्पर्टेन ट्रांसप्रेंस, और जो इसका जो लेवल है वो लेस देन 45 इंटरनेशनल यूनिट IU पर DLs होता है, और ये एक मार्कर की तरह काम करता है और ये स्पेसिफिक होता है हार्ट डिजीज़ के लिए। अब बात ये आ जाती है कि मार्कर डायग्नोस्टिक मार्कर ये हैं, ये होता क्या है डायग्नोस्टिक मार्कर क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट ये सिंपल ये है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का सम एंजाइम्स होता है, सम एंजाइम सेक्रेट करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गन, और वो पर्टिकुलर ऑर्गन सेक्रेट करते हैं और वो जो एक्ट करता है वो मार्कर ऑफ दैट ऑर्गन्स डिजीज़ के लिए, करेक्ट। और उसके बाद में जो अपन ने कहा कि जो SGPT और ALTA एलेनिन ट्रांसप्रेस इसका जो नॉर्मली लेवल होता है वो लेस देन 40 इंटरनेशनल यूनिट पर डीएल होता है और ये एक मार्कर की तरह काम करती है, स्पेसिफिक होता है लीवर के लिए, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है एल्कलाइन फॉस्फेट के बारे में बात की जाती है, तो जो एल्कलाइन फॉस्फेट है जो इसका जो लेवल है वो 3 से 13 के पर डीएल होता है, अगर इंटरनेशनल यूनिट की बात की जाए तो 23 से 92 इंटरनेशनल यूनिट पर डीएल होता है, करेक्ट। और ये मार्कर के तरह काम करता है हमारे जो एक बोन डिसऑर्डर के अंदर और एक रिकेट्स के अंदर और कोई भी किसी भी तरह के ऑस्टियोमलेशिया है उसके अंदर मार्कर की तरह काम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि 5 न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात की जाए, 5 न्यूक्लियोटाइड का जो नॉर्मली लेवल की अगर बात करें अपन तो जो नॉर्मल लेवल है उसका वो है कि अगर 2 से 15 इंटरनेशनल यूनिट पर है
ये मार्कर की तरह काम करता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और इसके अंदर क्या है कि कोई भी किसी भी तरह का, इसका जो काम क्या रहता है, इसका काम इतना सा रहता है कि कोई भी किसी भी तरह का एडिनोसिन SLP होता है वो एडिनोसिन SLP एडिनोसाइन प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। किसके प्रेजेंस में? 5-न्यूक्लियोटाइडेज के प्रेजेंस में, करेक्ट उसका। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये इंक्रीज होता है एक या इंक्रीज वायरल हेपेटाइटिस के केस के अंदर इंक्रीज होता है, बट हाईली इंक्रीज होता है एक ऑब्स्ट्रक्टिव हेपेटाइटिस के केस के अंदर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है इसका, वो एक जो पॉइंट है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है एक क्रोनिक लीवर एल्कोहलिज्म कंडीशंस के अंदर, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं लैक्टेट डिहाइड्रेशन के बारे में। तो जो लैक्टेट डिहाइड्रेशन का है उसका जो नॉर्मल लेवल है वो 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट पर डीएल होता है, और ये एक मायोकार्डिया इन्फ्रैक्शंस के लिए एक मार्कर की तरह काम करता है, और एक हेपेटाइटिस की तरह भी हेपेटाइटिस के लिए भी मार्कर की तरह काम करता है, डायग्नोस्टिक मार्कर। उसके बाद में नेक्स्ट ये है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का ये बॉडी के हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, बट मोस्टली हमारे कार्डिक मसल्स हुए, हमारे स्केलेटल मसल्स हुए, हमारे एरिथ्रोसाइट RBC हुई, और कहने का मतलब लीवर हुई, किडनी हुई, इनके अंदर मोस्टली प्रेजेंट होता है, करेक्ट। और उसके बाद में इसका भी जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इंक्रीज होता है एक क्रोनिक डिजीज़ के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है GDT, दैट कैन बी गामा गैलेक्टोमाइन ट्रांसफरेज। जो गामा गैलेक्टोमाइन ट्रांसफरेज है ये मतलब इसका जो नॉर्मल लेवल की अगर बात की जाए, जो नॉर्मल लेवल कितना है इसका, 5 से 14 इंटरनेशनल यूनिट पर डीएल्स होता है। और अगर जनरली बात की जाए तो कोई भी किसी भी तरह का जो ग्लूटाथाइंस होता है वो पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर होता है, तो वो किसके प्रेजेंस में होता है, वो GGT के प्रेजेंस में होता है, करेक्ट। गामा गैलेक्टोमाइन ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में जनरली होता है, करेक्ट। एक खास पॉइंट ये है कि ये एक की रोल्स की तरह काम करता है, प्ले करता है की रोल्स ऑफ डिग्रेडेशंस और सिंथेसिस करने में ग्लूटाथाइंस का, करेक्ट। और इसका जो लेवल है वो लेवल्स बढ़ जाता है एक क्रोनिक एल्कोहल्स के कंडीशंस के अंदर, और ये एक यूज़ होता है एक डायग्नोस्टिक मार्कर की तरह काम करता है हमारे लीवर हुई वायरल हेपेटाइटिस की बात की जाए, और कहने का मतलब जो बाइलरी सेल्स है और पेनक्रियास के अंदर काम किया जाता है, करेक्ट। और दूसरी बात ये है कि ये रोल करता है एक अमीनो एसिड को अक्रॉस सेल्स। थैंक यू।